एक बड़ी बिल्डिंग की गई डीजे बहावलपुर की तरफ से, एक अच्छा कदम डीजे बहावलपुर की तरफ से। काफी इंतजार था बिल्डिंग के हवाले से। जी समझ के व्यूअर्स, मैं मोहम्मद सलमान सिद्दीकी पाकिस्तान प्रॉपर्टी से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टीज के नाम से। आज का मेरा वीलॉग डीजे बहावलपुर में बिल्डिंग के हवाले से। तो सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को, क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, मुबारकबाद जिनके इस बिल्डिंग में प्लॉट निकले। बिल्डिंग के हवाले से बात करें तो एक बड़ी बिल्डिंग की गई डीजे बहावलपुर की तरफ से, एक अच्छा कदम डीजे बहावलपुर की तरफ से। काफी इंतजार था बिल्डिंग के हवाले से, आखिर वो वक्त आ गया। 5 मरला 8 मरला 10 मरला और 1 नाल के फाइल्स जो थी एलोकेशन फाइल्स, उसकी बिल्डिंग की गई। 14 तारीख को ये बिल्डिंग जो थी वो वजूद में आई। और आज क्या रहा मार्केट के हवाले से बात करेंगे कि बिल्डिंग के बाद मार्केट में क्या तेजी रही, क्या मामलात रहे उस हवाले से। थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि जब किसी फेज की डीएचसी के अंदर बिल्डिंग के हवाले से बात की जाती थी तो मार्केट में एकदम से उस एरिया के अंदर, उस फेज के अंदर तेजी आ जाती थी, पर इस दफा ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा ओवरऑल अगर डीएचए की बात करें, इसमें डीएचए मुल्तान, डीएचए गुजरांवाला और डीएचए लाहौर, ओवरऑल सबकी बात करें तो सबकी मार्केट में तकरीबन बहरानी कैफियत है। तो डीएचए बहावलपुर भी इन्हीं से मुंसलिक है, इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो डीएचए बहावलपुर में भी थोड़ी सी बहरानी कैफियत गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएचए बहावलपुर के अंदर ही आपको बहरानी कैफियत फील हो, ऐसा नहीं है। ओवरऑल जो प्रॉपर्टी की मार्केट है उसके अंदर बहरानी कैफियत है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। वो एक बहुत अच्छा मुहावरा है कि पेवस्ता रहे शजर से, उम्मीद बहार रख। तो हमें उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह कभी ना कभी डीएचए बहावलपुर के अंदर भी तेजी आएगी। आफ्टर बैलेटिंग नेक्स्ट वीक में मैं अपना एक मुकम्मल वीलॉग बनाऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे 5 मरला 8 मरला की जो न्यू कटिंग आई है उस हवाले से, मैप के हवाले से। उम्मीद है कि इस बैलेटिंग के बाद डीएचए बहावलपुर की मार्केट में तेजी आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हमें नसीब याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।